सर्वदलीय बैठक से मिटेगी राड़। देखिए, केंद्र सरकार की ओर से राज्य में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के मामले में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल और आम आदमी पार्टी के नेता भाग लेंगे। पंजाब कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू बैठक में भाग लेंगे। पंजाब बीजेपी इस बैठक का बहिष्कार करेगी। इससे पहले चन्नी ने इस मामले पर रविवार को पंजाब के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की थी। पंजाब सरकार इस बैठक में लिए जाने वाले निर्णय पर कदम उठाएगी और मुद्दे की केंद्र सरकार के समक्ष उठाएगी। दरअसल बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस और शियद और आम आदमी पार्टी समेत अन्य दलों ने बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के लिए केंद्र के फैसले का विरोध करते हुए इससे संघवाद और राज्य के अधिकारों का उल्लंघन बताया था। आपको बता दें कि सीएम चन्नी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, शियद अध्यक्ष सुखवीर बादल, आपके प्रदेश अध्यक्ष भगवंत मान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी शर्मा को आमंत्रण भेजा गया है। बीजेपी ने बैठक के बहिष्कार का फैसला किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने कहा कि बढ़ रहे आतंकवाद के खतरे के कारण देश के सभी सीमावर्ती राज्यों में बीएसएफ का दायरा बढ़ाया गया है। कांग्रेस को किस बात का डर लग रहा है? मुख्यमंत्री पंजाब में बढ़ रही बेरोजगारी और नशे पर लगाम कसने के लिए सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते हैं? उधर शियत की ओर से डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा और प्रेम सिंह चंदू माजरा बैठक में शामिल होंगे। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की ओर से प्रदेश प्रधान भगवंत मान और अमन अरोड़ा के बैठक में आने की संभावना है। तो देखिए, आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और यह बैठक लगभग 12 बजे होगी और इस बैठक में फिलहाल अभी जो बीजेपी है उसने वॉकआउट कर दिया है। यह बैठक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जिस तरीके से बीएसएफ के जो जवान हर राज्य में तैनात किए गए हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उन्हें शायद दिक्कत हो रही है। अभी दिक्कत क्यों हो रही है, इनके जवाब सब पाने के लिए मेरे साथ मेरे मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे हम वार्तालाप करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये भी बता दें कि आज यह बैठक होने वाली है। बीएसएफ मामले को लेकर आज पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी बैठक करेंगे और इस बैठक में जो कई दल हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे, चाहे वो शियद हो या फिर वो आम आदमी पार्टी हो। हालांकि बीजेपी को भी इनवाइट किया गया, लेकिन बीजेपी ने इस बैठक को बेफिजूल की बैठक बताकर इसका बहिष्कार कर दिया। बीजेपी ने कहा कि जो बीएसएफ के जो दायरा है वो केंद्र सरकार के ने बढ़ाया है और साफ तौर पर कहीं ना कहीं राज्यों में बढ़ाया गया है उनकी सुरक्षा के लिहाज से। तो देखिए, इस बैठक में नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल होंगे और इस बैठक में कई बातें भी रखी जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह कि खबर ये भी है कि इस बैठक पे कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री चन्नी इस सर्वदलीय बैठक में उठाएंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जिस तरीके से चाहे वो कृषि कानून का मुद्दा हो या फिर वो पंजाबी भाषा का हो, ऐसे कई और बड़े बड़े मुद्दे हैं, वो मुद्दे यहाँ पर उठाए जाएंगे। और इस बैठक में सभी दलों को यहाँ पर इनविटेशन दिया गया है, लेकिन आपको बता दें कि इस बैठक का कहीं ना कहीं बीजेपी ने बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बैठक बेफिजूल की बैठक है। अगर उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं चन्नी, वो क्यों जो लगातार नशा बढ़ता जा रहा है उस नशे पर बात क्यों नहीं करते हैं, विकास को लेकर बात क्यों नहीं करते हैं, और यही बात बोल के उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार किया। तो देखिए, आज यह बैठक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको बता दें कि बीएसएफ हो या फिर कृषि कानून हो, पंजाबी भाषा हो, और एक और बात, विशेष पैकेज के मुद्दे पर यहाँ चर्चा होगी। क्योंकि विशेष पैकेज मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए, चुनाव तो नज़दीक आ रहे हैं। अब देखिए, चन्नी के पास भी समय बहुत ही कम है, लेकिन चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अब जिस तरीके से कांग्रेस में लगातार जो खलबली मची थी, जो भगदड़ मची थी, और जिस तरीके से लगातार यहाँ पर जो टुकड़ियां जो बटी थी, हर तरफ से विरोध हो रहा था, उनकी ही पार्टी के लोग उन्हीं से भिड़ रहे थे, कैसे सबको एकजुट करेंगे और किस तरीके से हम फिर से जो 2022 का चुनाव है उसमें कैसे जीत हासिल करें,
इन सभी को लेकर यह बैठक की जाएगी। और साफ तौर पर कह सकते हैं कि पंजाब में देखिए 2022 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री चन्नी को पंजाब का सीएम बनाया गया है, जो कि पहले दिन से ही काम में सक्रिय है, लगातार वह दिन रात काम कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को चुन रहे हैं। आपको बता दें कि चन्नी ने पंजाब के बड़े मुद्दों को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें मुद्दों पर परस्पर सहमति बनाकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का यहां पर फैसला किया जाएगा। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से, जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, जयवंत सिंह। सर, स्वागत है आपका एएनवी न्यूज में। थैंक यू। देखिए सर, जिस तरीके से लगातार अब पंजाब के मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और ये बैठक भी जिसमें कई जो दल हैं वो इसमें शामिल होंगे, आपकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से वॉकआउट किया गया है, क्या वजह है? एक बैठक बुलानी, ऑल पार्टी मीट बुलानी, तो सीएम का एक हक बनता है जी। तो पर उसने चन्नी जी ने जिस वजह से ये बुलाई है बैठक को, उसमें थोड़ा सा संदेह आता है हमें जी। कि ज्यादा चर्चा वो करनी चाहते हैं, वो बीएसएफ की जो ज्यूरिस्डिक्शन बढ़ाई है उसके जी। तो ये जो ज्यूरिस्डिक्शन बढ़ाई है, ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है जिसके लिए कि एक ऑल पार्टी मीटिंग को कन्वीन किया जाए। ये जो इनकी जो क्षमता है इसके पीछे वो बिल्कुल पॉलिटिकल है। तो ये पॉलिटिकल माइलेज निकालनी चाहते हैं और पॉलिटिक्स ऑफ डिसरप्शन में पढ़ना चाहते हैं। ये एक सिक्योरिटी रिलेटेड एक डिसीजन है जिसको बहुत सोच समझ के, बहुत महीनों के बाद सोच समझ के लगाया गया है। मैं एक डिफेंस एनालिस्ट हूँ, मैं बिल्कुल ये समर्थन करता हूँ कि ये डिसीजन पूरे देश के लिए अच्छी है। एक यूनिफॉर्मिटी लेके आए हैं बीएसएफ की फंक्शनिंग में जी। तो अगर सीएम चन्नी ने कुछ करना ही है तो उनको ज्यादातर अपने जो बहुत ज्यादा बड़े मसले हैं पंजाब के ऊपर, जैसे कि ड्रग्स है, माइनिंग है, तस्करी है, इस टाइम के ऊपर आपको सारी अपनी क्रॉप को खाना है, उन चीजों की तरफ उनको ध्यान देना चाहिए, जिसका कि उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो ध्यान देंगे। उस तरफ तो उनका कोई रुचि है नहीं। और ये नॉन इश्यूज, द बीएसएफ ज्यूरिसडिक्शन इज अ नॉन इश्यू एज फार एज पंजाब इज कंसर्न। कहा जा रहा है कि नॉन इश्यूज उठाए जा रहे हैं, जिसमें से आपने बहिष्कार किया। चलिए सर, मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे साथ जो कांग्रेस नेता है नसीम खान। नसीम जी, स्वागत है आपका एएनवी न्यूज में। धन्यवाद नसीम जी। बैठक होने वाली है सर्वदलीय की, मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है। देखिए अब बीजेपी ने तो इसका बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि जो ड्रग्स का मामला हो या तस्करी का मामला, आप उन मुद्दों को तो नहीं उठा रहे हैं, आप विकास की बातें नहीं कर रहे हैं। अब बीएसएफ अगर वहाँ पर तैनात की गई है, फिर बीएसएफ की जो भी अब बातें होती हैं वो सिर्फ इसके लिए, क्योंकि देश की सुरक्षा के लिहाज से ये डिसीजन लिया गया है, क्या दिक्कत है आपकी तरफ से? मैं आपसे स्पष्ट रूप से एक बात बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी योजनाओं में और जो सरकारी तौर पर जमीन पर वो आतंकवाद को लेकर या नोटबंदी को लेकर या नागरिकों की सुविधाओं के लेकर जितनी योजनाएं लाई है लोगों का फायदा बताकर या देश का फायदा बताकर के, भारतीय जनता पार्टी की वो सारी योजनाएं जमीन पर धाराशायी हो गई है, ध्वस्त हो गई है। और उन योजनाओं का जो फायदा सरकार ने गिनाया था, वो योजनाओं का फायदा होता नहीं दिख रहा है। और इसको लेकर पूरे देश के अंदर असंतोष जनता के बीच में घुस रहा है। दूसरी चीज मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की आवाज को राजनीति की आवाज कह करके दबाना चाहती है, जबकि इस देश के अंदर संविधान में, सवाल तो सुन लीजिए, मैंने सवाल पूछा था कि अगर बीएसएफ का दायरा बढ़ाया गया है तो दिक्कत क्या है? सुरक्षा आप ही की हो रही है, सुरक्षा भारत की हो रही है, सर दिक्कत क्या है जिसकी वजह से बैठक बुलाई गई है? जी मैं आपसे ऋचा जी कहना वो इसी बात पे आ रहा था, उसी बात को कहना चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी जो भी बोलती है
उसमें सच्चाई नहीं है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, चलो बीएसएफ का दायरा बढ़ाया जाए, देश की सुरक्षा की जाए, देश की सीमाएं मजबूत की जाए, कांग्रेस पार्टी भी इसको लेकर चिंतित रही है। और कांग्रेस पार्टी की जब भी देश के अंदर सरकारें रही है तो आतंकवाद को लेकर के और देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस गंभीर रही है। और यही वजह थी कि मनमोहन सिंह की सरकार में कश्मीर को खुशनुमा बनाया गया था, कश्मीर में वो हालात नहीं थे जैसे हालात आज हैं। हम ये कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी आज बीएसएफ के दायरों को लेकर के कांग्रेस पर प्रहार कर रही है कि ये नई संसदीय बैठक नहीं बुलाई जानी चाहिए। आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं सर? जम्मू कश्मीर के हर सब लोग जानते हैं, उरी का भी देखा किस तरीके से हालात थे, लेकिन हमारे जवानों ने अच्छा काम किया। कश्मीर कभी आज सुख से नहीं रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 370 जो हटाई गई थी, मेरा आपसे सवाल है सर, मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए सर। जब से धारा 370 हटाया गया है तब से थोड़ी बहुत शांति यहाँ पर आई है, ये बात हर कोई जानता है। कश्मीर में शांति राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचे हुए थे सर, उन्होंने खुद दौरा किया था। कश्मीर में शांति आप बता रहे हैं सर? सर मेरी बात सुन लीजिए, कश्मीर में शांति बता रहे हैं सब कुछ होगा? लगने के अंदर पाकिस्तान के ड्रोन हमारे बेस पर हमला कर रहे हैं, लगातार 5-5 सेना के जवान मारे जा रहे हैं, इसे आप शांति कहेंगे? आपको मनमोहन सिंह के समय का कश्मीर नहीं दिखाई दिया, आप इसे शांति कहेंगे? नसीम जी मेरी बात सुन लीजिए, आप किस तरीके से कुछ होगा नहीं, सच्चाई तो सुन लीजिए कम से कम। क्यों सच्चाई सुन पा रहे हो आप? सच्चाई तो सुनिए मेरी, मैं क्या कह रही हूँ। मैंने कहा कश्मीर में अभी तक कोई शांति बनी नहीं है, चाहे वो ये सरकार चाहे वो सरकार हो, काम पूरा हो रहा है। आर्टिकल 370 को हटाया गया है, अभी भी युद्ध चल रहा है वहां पर, उसकी वजह यहाँ पे और लड़ाइयां हो रही है। अगर बीएसएफ का दायरा बढ़ाया गया है तो आपकी सुरक्षा के लिहाज से ही होगा ना? अगर सर आप ऐसी पुरानी बातें बोलेंगे कहां से आप कहां तक चले आ रहे हैं सर? रीचा जी, जब 370 हटाई गई पूरे देश ने इनका समर्थन किया था। शांति से डिबेट कीजिए रीचा जी, जब 370 हटाई गई पूरे देश ने इनका समर्थन किया था जी बिल्कुल, इसका जवाब। लेकिन क्या हुआ उसका रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आप मुझे बताए। नोटबंदी, फर्जी करेंसी बंद हो जाएगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, क्या ये दोनों चीज खत्म हुई? नोटबंदी के कर रही हूँ सर, मुद्दे पर आइए। ये नोटबंदी, ये जीएसटी कहाँ से? मैं मुद्दे भी ला रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी प्रॉब्लम है इस देश के सरकार के अंदर, भारतीय जनता पार्टी इस देश को तोड़ना चाहती है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में रहते हुए आतंकवाद मजबूत होता है, आतंकवाद भारत की सीमाओं के अंदर घुस करके राज्यों में आता है। आप तोड़ना चाहते हैं आरोप लगा रही कांग्रेस, मजबूत होते हैं, आप तोड़ना चाहते हैं ये आरोप कांग्रेस लगा रही है, क्या कहेंगे? सर आवाज मिल रही मेरी? जय वंशी जी। हाँ देखो, मैं सुन रहा था नसीम खान जी को, कहाँ हम पंजाब की बात करना चाहते हैं और कहाँ ये पता नहीं देश विदेश कहाँ किस तरह चले जा रहे हैं। एक डिबेट में जब इंसान को पता होता है कि वो बैकफुट में बैठ गया है ना, तो वो इस तरीके से बिहेव करता है जैसे नसीम खान जी बिहेव कर रहे हैं कि एंकर को सवाल ना पूछने दो, किसी को बात ना करने दो, शोर शराबा डाल दो, मैटर को डाइवर्ट कर दो, चले जाओ जीएसटी की तरफ, चले जाओ नोटबंदी की तरफ, चले जाओ। भाई आज हम यहाँ बैठे हैं डिबेट करने के लिए पंजाब के बारे में, और हम इसलिए बैठे हैं ये पता करने के लिए कि जो सीएम हमारे चन्नी साहब हैं वो कुछ कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और हम ये समझते हैं कि अगर वो मुझसे सही बैठ सकेंगे तो नहीं कर सकते हैं, वो मैं उसको डाइवर्ट कर रहे हैं, उनको वापस फोकस के ऊपर लाना जरूरी है। मैं जी मैं इसी पर आ रहा हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, एक्चुअल क्या है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामी है उसको छुपाना चाहते हैं। मैं स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहता हूँ, आज आज बीएसएफ का दायरा किस लिए बढ़ाया जा रहा है? देश की सुरक्षा के लिए बढ़ाया जा रहा है कि क्या? काम चल रही है क्या? बातें कर रहे हैं, शिकायतें आपसे देखिए। जब नसीम जी कुछ कहते तो आपने कुछ कहा नहीं, अब उनको बोले दीजिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। जब आपका वक्त था तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, एक बार बात तो सुन लीजिए नसीम जी। नसीम जी क्या कहना चाहते हैं? नसीम जी बोलिए। मैं ये चाहता हूँ कि साफ सुथरी एकदम स्पष्ट डिबेट हो जिससे लोगों को पता चल सके। मैं एक दूसरे के बीच में बोलेंगे तो उससे जो है खिचड़ी पक जाएगी और लोगों को पता नहीं चल पाएगा। ऋचा जी, मैं आपसे कहा आपका नेशनल चैनल है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये जो बोल रहे हैं कि नोटबंदी जीएसटी पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए, बात ये जो बीएसएफ का दायरा बढ़ा रही है भारत सरकार, ये देश की और राज्यों की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए तो बढ़ा रही ना, ऐसी क्या जरूरत पड़ी? इससे पहले दो मुद्दे हैं, उन दो मुद्दों की बात किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते आतंकवाद पे। आपने भारत कहा सरकार कि ने नोटबंदी,
सर आपने नोटबंदी लगाते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि आतंकवाद की कमर टूटेगी। ठीक है सर, आतंकवाद की कमर टूटेगी। सर जवाब ले लेती हूँ, आपके सामने ही मौजूद है जयवासी जी। हाँ जी सर, मुझे दो बात कहने दीजिए, मुझे दो सेकंड का समय दे दीजिए बस। सर मैं आपको समय दूंगी सर, जो भी मेरे साथ बैठे हुए हैं ना, समय मैं दोनों को ही दे रही हूँ बराबर का। सर जवाब दीजिए, दायरा क्यों बढ़ाया गया है ये कह रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से आखिर ऐसा क्या अनपढ़ा है जो दायरा बढ़ाया गया बीएसएफ का? कांग्रेस सवाल पूछ रही है आपसे सर। जयवंत जी जी देखो, ये नसीम जी पता नहीं कितना फौज के बारे में जानते हैं, कितना सिक्योरिटी के बारे में जानते हैं। ऐसे ही बिना वजह क्या वजह थी, इनको क्या पता क्या वजह थी? वहां पर जब ऐसी कोई डिसीजन ली जाती है तो बहुत बड़े बड़े जो प्रोफेशनल्स हैं, जो रिटायर्ड प्रोफेशनल्स हैं, जो सर्विस प्रोफेशनल्स हैं, वो कई सालों के लिए, कई महीनों के लिए बैठ के उसकी वॉर गेमिंग करते हैं और फिर वो कोई डिसीजन लेते हैं कि कोई चेंज लानी है बॉर्डर के ऊपर की नहीं लानी। और उस चेंज को लाने के लिए नसीम खान जी जैसे जो बिल्कुल ही अनाड़ी लोग हैं डिफेंस एंड सिक्योरिटी के बारे में, वो आके डिबेट करनी शुरू कर देते हैं। ये क्या है, ये जो रैशनलाइजेशन की है बीएसएफ की, ये इसके पीछे बहुत बड़ी सोच है और ये कोई एक दिन में नहीं हो गई है, इससे बहुत काम किया, बहुत बड़ी सोच है और सुरक्षा को लेकर ये दायरा बढ़ाया गया। देखिए नसीम जी तो खुद एक हंस भी रहे थे इस बात का, जिस तरीके से आपने जो बोला, लेकिन उनको शायद हंसी बहुत ज्यादा ही आ रही है तो उन्होंने भी इस तरीके से एक स्माइल भी पास कर दी। सर सर नहीं नहीं सर एक बात बताइए मुझे, नहीं नहीं सर नसीम जी मैं खुद आपसे एक सवाल कर रही हूँ। देखिए ये बात पूरा देश जानता है कि जम्मू कश्मीर में क्या हालात बने हैं, आतंकवादी गतिविधियां वहां लगातार बढ़ रही है, 15 दिन हो चुके हैं, 15 दिन से मुठभेड़ लगातार जारी है, 13 साल बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब इतनी लंबी मुठभेड़ चल रही है किसी रणनीति किसी स्ट्रैटेजी को लेकर। लेकिन सर नसीम जी आपको नहीं लगता अगर सरकार ने दायरा बढ़ाया है बीएसएफ का, वो आपकी सुरक्षा के लिए, चाहे वो कहीं भी दायरा बढ़ाया हो या फिर आपके पंजाब में बॉर्डर्स को लेकर या अदर राज्य है उनके बॉर्डर्स को लेकर? सर सीधा साधा सवाल है, क्या दिक्कत हो रही है? वो एक मिनट सर, सर नसीम जी इतनी शांति से बात कर रही हूँ, मैं इतने प्यार से बोल रही हूँ, सवाल पूछ रही हूँ, आपको नहीं लगता कि वो आपकी सुरक्षा के लिए है, देश की सुरक्षा के लिए इस पर बैठक होना और ये एक इंटरनेशनल होता है जिस तरीके से आप भी मानते इस बात को, ये या सिर्फ बीजेपी का, आप बीजेपी को आड़े हाथों ले लेना या इस पर वार करना उस पर वार करने से कुछ होगा? देश हमारा है, देश आपका है, हम सबका ये देश है, उस लिहाज से करने की तो कोशिश कर रही है ना केंद्र सरकार। अगर बीएसएफ का दायरा बढ़ाया गया है तो वो आपको कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं क्या? कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, ये आप ही के लिए है ना? नहीं ऋचा जी देखिए, स्पष्ट रूप से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी आतंकवाद और देश की सुरक्षा को लेकर के दोनों के प्रति गंभीर रही है, क्योंकि आतंकवाद ने सबसे ज्यादा नुकसान अगर जो किसी को किया है तो वो कांग्रेस पार्टी को किया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने दो दो प्रधानमंत्री खोए हैं आतंकवाद को लेकर के, आतंकवाद ने हमारे दो दो प्रधानमंत्रियों की, हमारे दो बड़े महान नेताओं की जान ली है। जब इसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी की आज तक एक उंगली आतंकवाद से नहीं कटी, बल्कि आतंकवाद के जो मुखिया रहे मौलाना आजहर मसूद जैसे लोग, उनको इस देश के उस तत्कालीन गृह मंत्री और भारत सरकार उनको उजागर क्या है? सर मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही सर, बेतुकी ये क्या मतलब हुआ कि अगर कांग्रेस पार्टी मतलब नहीं हुआ? मेरी बात अभी समझ में नहीं आ रही, मैं यही पूछना चाहता हूँ, भारत सरकार की जो आतंकवाद को लेकर नीतियाँ थी, जो मुझे अनाड़ी कहा गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, मैं जो नीतियाँ थी उसको पूछना चाहता हूँ, जो नोटबंदी और जो क्या नाम है उसके बाद हमारा 370 हटाया जाना वहां से, जिसपे पूरे देश ने साथ दिया, उसके बाद ये कहा गया कि हम ये आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, आखिर आतंकवाद की कमर क्यों नहीं टूटी, ये सवाल तो खड़ा रहेगा। आपने कहा कश्मीरी पंडित बसाए जाएंगे 370 हटने के बाद, बल्कि अभी एक लिस्ट आई है कि सैकड़ों की तादाद में कश्मीरी पंडित जम्मू में आने जा रहे आ रहे हैं घाटी छोड़ करके। तो इसका जो सवाल है विपक्ष की तरफ से वो तो पूछा जाएगा, ये हमें अनाड़ी बता रहे हैं, लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि आज देश की सीमाओं को कि आतंकवादी जो होते हैं वो कांग्रेस पर ही, उस वजह से दो लोगों की मौत हो गई, उनका निधन हो गया, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि अब जो आतंकवाद है वो बीजेपी पर हमला कर दे क्या? गलत चीज है सर। चलिए चलिए सर, जयवंत जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए सर, इनको तो दिक्कत हो रही है कांग्रेस से होगा, किससे सवाल? जयवंत जी इनको दिक्कत हो रही है आपका दायरा बढ़वाने से, पार्टी के नेतृत्व में गृह मंत्री फेल हो रहे हैं, शांत हो जाइए सर, सर शांत, क्यों बीपी अपना हाई कर रहे हैं? ओके ठीक है सर, सुन लिया मैंने सर, जवाब दीजिए जयवासी जी, दिक्कत हो रही है कांग्रेस को?
कांग्रेस को दिक्कत नहीं होती, देश को दिक्कत हो रही है क्योंकि सेना की जो लाशें हैं वो देश के घरों में पहुंच रही है। अरे सर, तो ये लाशें देश के घरों में पहुंच रही है, कांग्रेस को दिक्कत नहीं है, मौत ना हो, देश का बढ़ाया गया है ना, देश का गृह मंत्री फेल हो रहा सुरक्षा करने में, देश क्या चाहते हैं, एक मिनट, अब चाहते क्या है सर, दायरा क्यों बढ़ाया गया है, अपनी सुरक्षा के लिए बढ़ाया गया ना, लाशें फिर से ना बिछे, फिर से गतिविधियां ना बढ़े, आतंकी अब तक भारत सरकार 7 साल में क्या कर रही थी, 7 साल में भारत सरकार कर क्या रही थी, जयवंशी जी गृह मंत्री कर क्या रहे थे, कौन सी षड्यंत्रकारी योजनाएं देश के अंदर आपसी बंटवारे के लिए बना रहे थे जो देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने का मौका नहीं मिला उन्हें। जयवंशी जी क्या कहेंगे आप, वो कह रहे हैं गृह मंत्री भी इसका कुछ नहीं कर पाए हैं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई रणनीति नहीं, 7 साल हो गए सरकार में, आपको देश बर्बाद हो रहा है, इसके आरोप कांग्रेस लगा रही है, सर जवाब दीजिए। देखो देखो मैडम, जिस तरीके से हड़बड़ाहट है ना नसीम खान जी से, उससे साफ पता लग जाता है कि जो हमने डिसीजन ली है ये डिसीजन बहुत अच्छी है और ये इस डिसीजन के ऊपर सिर्फ पॉलिटिक्स खेल रही है, इनके पास कुछ नहीं है सब्सटेंटिव कहने के लिए, एक इनके पास बात नहीं है, ये अनप्रिपेयर्ड आए हुए हैं डिबेट में, इनको सिक्योरिटी के बारे में कोई जानकारी नहीं है और सिक्योरिटी में ना जानकारी होने के कारण ये पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं, 6 साल पीछे गड़े मुद्दे निकाल रहे हैं, तो ऐसे डिबेट का कोई फायदा नहीं है। मैं सिर्फ आपको दोबारा कह रहा हूं और आपके माध्यम से पूरे देश को, पूरे पंजाब को ये बताना चाहता हूं कि बीएसएफ की जो ज्यूरिसडिक्शन बढ़ाई है इससे पंजाब को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनफैक्ट पंजाब की सिक्योरिटी बेटर होती है और पंजाब की सिक्योरिटी बेटर करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि पंजाब की नेबरहुड में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा हीट बढ़ा दी हुई है और पंजाब की तरफ भी हीट बढ़ा रही है, तो हमें अपने सुरक्षा बलों को काम करने देना चाहिए और हमें जो पंजाब के अंदरूनी मुद्दे हैं पीएम चन्नी को उन मुद्दों के पीछे पड़ना चाहिए, वो है ड्रग प्रोलिफरेशन, माइनिंग, एजुकेशन, एनवायरमेंट, जिसके बारे में उन्होंने हाँ भरी है, उसकी तरफ ध्यान दें, ये जो नॉन इश्यूज है इनकी तरफ मत जाएं और पॉलिटिक्स मत खेलें और नसीम खान को डिबेट नहीं कर सकते, नॉलेज नहीं है, ये आरोप है बीजेपी के कांग्रेस के ऊपर। हाँ जी नसीम जी, सुन लिया आपने, इनके पास कहना है की भ्रष्टाचार हो रहा है, तस्करी हो रही है और लगातार नशा भी हो रहा है और पूरे देश में क्या हो रहा है, किसान परेशान है, किसान मर रहा है, गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों पे गाड़ी चढ़ा रहा है, क्या हो रहा है, हम इस बात को करते हैं तो ये बोलते हैं सर, दिक्कत है आपके अंदर, मेरा सवाल तो पूरा सुन लीजिए, पहले ही बीच में बोल जाते हैं, सुन तो लीजिए मैं क्या कह रही हूँ, बीजेपी कह रहे हैं कि जो मुद्दे हैं मेन मुद्दे वो आप उठा नहीं रहे, बीएसएफ का दायरा बड़ा है, मुझे बस एक बात समझ में नहीं आ रही, मैं आपसे सच्ची में क्लियर चाहती हूँ, मैं पर्सनली आपसे पूछ रही हूँ सर, दिक्कत क्या है, अगर बीएसएफ का दायरा बड़ा है तो दिक्कत क्या है, मुझे सिर्फ इसका जवाब दीजिए, मुझे ये जवाब चाहिए। मैंने अपने पहले ही वक्तव्य में आपको जवाब दे दिया था कि कांग्रेस पार्टी को देश की सीमाओं को सुरक्षित करने में कोई भी सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे दिगर कोई भी सरकार हो, उस सरकार के द्वारा देश की सीमाओं को, प्रदेश के अंदर, प्रदेश के शहरों को सुरक्षित करने में कोई चिंता नहीं है, बल्कि हम इनको साधुवाद देते हैं। अगर चिंता नहीं है, अगर आप स्वागत कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है, क्यों बैठक बुलाई गई है सर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कर रही है, ये देश की सीमाओं को सुरक्षित करने में फेल हुए हैं, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने में फेल हुए हैं, ये श्रीनगर के हालात को संभालने करने में फेल हुए हैं, ये आतंकवाद को खत्म करने में फेल हुए हैं, उसी के लिहाज से तो यहाँ पर आपके यहाँ पे बीएसएफ का दायरा बढ़ाया गया, दिक्कत क्या हो रही है, मुझे अभी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ एक सवाल, मैं ये कह रहा हूँ, एक छोटा सवाल पूछा मैंने, स्वागत कर लें, जवाब नहीं दे पा रहे, विपक्ष की सर्वदलीय बैठक का स्वागत कर लें और इनको कहना चाहिए कि सर्वदलीय बैठक या विपक्ष क्या चाहता है हम बताएं, हम उनका स्वागत करेंगे, सुनेंगे, आखिर कोई भी देश का मुद्दा हो, ये जो बायकॉट किया है क्यों किया है, जसवंत जी क्यों किया है, स्वागत करिए इनकी बैठक का, कांग्रेस कह रही है आपको स्वागत करना चाहिए इनकी बैठक का, देश को चलाया है, जयवंशी जी हो गया ना, आपको टाइम दे दिया ना, कितना सर शांत हो जाइए, अब थोड़ा इनको भी मौका दे दूं, मैं मौका दोनों को देना पड़ेगा ना, आप इनको मौका दे देती हूँ, जयवंशी जी आपने वायकॉट किया है क्यों किया, आपको स्वागत करना चाहिए, आप बेकअप आप बैठ जाते, देख लेते किन मुद्दों पर बातचीत हो रही है, आपने पहले मैदान छोड़ दिया, चुनाव आने वाले हैं पंजाब में 2022 के विधानसभा के, तो आपको बैठना चाहिए था, इसमें शामिल होना चाहिए था, क्यों आपने वायकॉट किया,
अगर आपको से आपको लग रहा है कि बेतुका बैठक है, बेतुकी चीजें हैं और ऐसे ऐसी मतलब नॉन इश्यूज है, इस पे बैठक की जा रही है, तो और भी तो मुद्दे थे सर, उस पर तो बैठक होने वाली थी ना, कृषि कानून का शायद उसमें मुद्दा भी से बातचीत होगी, पंजाबी भाषा को लेकर बातचीत होगी, विशेष पैकेज को लेकर से बातचीत होगी, अगर आप इस बैठक में बैठते तो जाहिर है कि आपको और भी जो मुद्दे हैं उन पर आप और बातचीत कर सकते थे। आपने सिर्फ एक चीज सुन लिया कि बीएसएफ का दायरा बढ़ाया गया है, इसे कांग्रेस ने बैठक बुला ली है, आपने वायकॉट कर दिया। जी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। अगर हम वहाँ बैठ भी जाते तो वहाँ भी जैसे नसीम खान भी आगे पीछे की बातें कर रहे हैं वही होनी चाहिए, कोई अच्छी मुद्दे की बात हो तो हम बैठ सर। देखिए सर, नहीं सर, इसे तो आप घबरा रहे हैं। जय वंशी जी, आप देखिए आप तो यहाँ बीजेपी कमजोर पड़ रही है, आप तो घबरा रहे हैं। अगर अगर नसीम जी उस तरीके से वहाँ पे बातचीत भी करते तो आप तो विपक्ष में है ना, सरकार कांग्रेस की है पंजाब में, आप तो विपक्ष में है ना, आपका काम बनता है सवाल उठाने का, आपका काम बनता है आप खड़ा होके बोलने का, हाँ भैया ऐसा नहीं तो ऐसे होना चाहिए, ये तो ये मुद्दे उठाइए। अगर आप ऐसे पीछे हटेंगे तो कैसे चलेगा सर, कैसे आप फिर अपने पंजाब में बढ़त बना पाएंगे और कैसे सरकार बना पाएंगे फिर? आपको तो सर हर चीज शामिल होना पड़ेगा। हमारे हमारे पास चलनी सरकार के कुछ काम करने की कॉन्फिडेंस ही नहीं है। चलनी सरकार जो इस टाइम के ऊपर जिस तरीके से कांग्रेस चल रही है, इनका प्रेसिडेंट किसी और तरफ जा रहा है, कैप्टन अमरिंदर का पता नहीं वो छोड़ रहे हैं कि रह रहे हैं, ऊपर से चलनी सरकार से कुछ होता नहीं है, ऐसे मामले में कोई भी बातचीत करनी मैडम बहुत मुश्किल है। जब ये अपने आप को अगर मुश्किल है तो सर वो तो आपको करना पड़ेगा ना, विपक्ष तो आप ही है ना सर, विपक्ष तो आप ही है ना अगर पंजाब में, अगर ऐसे वायकॉट कर से कुछ होगा थोड़े ना, क्या कुछ मुद्दे होते हैं उन पर बातचीत करना जरूरी होता है, सिर्फ एक बीएसएफ का कोई मुद्दा थोड़ा ना इसमें, और भी कई मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस बात कर रही है, लेकिन आपको तो शामिल होना चाहिए था। ये वो एक नेशनल मुद्दा है, उसमें चन्नी जी ने क्या करना है। चलिए जसवंत जी, मैं माफी चाहती हूँ, समय की बहुत कमी है सर, माफी चाहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जसवंत सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये बीजेपी नेता है, और साथ ही साथ नसीम खान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये कांग्रेस के नेता हैं, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और हमसे बातचीत करिए। देखिए अब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, और लेकिन सबसे बड़ी बात है, एक बात सवाल हमेशा मेरा यही रहा था कि ये इस जो दायरा बढ़ाया गया बीएसएफ का, अगर से दिक्कत क्या हो रही है कांग्रेस को, कांग्रेस का जवाब अभी ठीक से नहीं दे पाई है। मेरे साथ कांग्रेस नेता भी लगातार मौजूद थे, लेकिन उसका जवाब वहां तक जो जवाब दिया उसे ना तो मैं संतुष्ट थी और ना वो जवाब इस लाइक था, खैर उसको अलग बात है। लेकिन इस बैठक में कहना कहीं बीजेपी ने वायकॉट कर दिया है, ये वायकॉट बीजेपी को भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं बल्कि इसमें और भी कई मुद्दे हैं, कृषि कानून को लेकर भी है, विशेष पैकेज को लेकर भी मुद्दा है, पंजाबी भाषा को लेकर भी यहाँ पर मुद्दा उठाया जाएगा, इसको लेकर यह बैठक बुलाई गई और ये बैठक 12 बजे आयोजित की जाएगी।